नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो उसके तो शेयर करना कि अब तक किसी भाई को इससे काम चल जाए। वैसे मैं नॉर्मली वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन क्या पता ये वीडियो किसी के काम आ जाए। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से हम ज़िंदगी की भागम भाग में अपने आप को अपने स्वास्थ्य को दाव पे लगा के ज़िंदगी में भागते जा रहे हैं आगे। स्वास्थ्य ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जॉब पे है या कोई बिजनेसमैन है तो दो दिन की छुट्टी ले लूँगा तो पता नहीं सब कुछ ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य एक दिन जवाब शरीर जवाब दे जाता है हमारा, उसके बाद में वो बिजनेस भी ऐसे ही चलते रहता है, वो जॉब भी ऐसे ही चलती रहती है। क्योंकि जो भागदौड़ की एक लाइन बनी हुई है उसमें जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ही चल सकेगा, जो व्यक्ति अस्वस्थ हो गया या जिसका कोई शरीर ने जवाब दे दिया या कोई भी समस्या आ गई तो वो उस लाइन से तो बाहर होगा ही होगा, प्लस में साथ में वो अपने घर वालों पे और बोझ बन जाता है। ये देखिए, और पता नहीं कितने कर्मचारी ऐसे होंगे और कितने बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे बस यार ये सीज़न निकल जाए या ये एंडिंग हो जाए, फाइनेंशियल एंडिंग हो जाए, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तब मैं छुट्टी लेके इलाज करवा लूँगा या ये कर लूँगा, मैं फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लूँगा। लेकिन वो शायद होता ही नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ में हम इतना बिजी हो जाते हैं शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और दूसरी बात, जब हमें बाय चांस जब इमरजेंसी कंडीशन में कहीं ले भी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। ये एक है, क्योंकि एलोपैथी वाले जो डॉक्टर है या अदर जो भी बीमारियों के वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए हैं। तो आज का मेरा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन देखना सभी जो साथी या क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति पैसे के लिए भाग रहा है, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ किसी का टारगेट सेक्टर में प्लाट लेना, किसी का बंगला बनाना, किसी के कोई फैक्ट्री लगानी, ऐसे चलता ही रहता है। तो उस भागदौड़ में हम स्वास्थ्य का नुकसान कर लेते हैं, समय पर खाना ना खाना, समय पे खाना ना लेना, और दूसरा गलत भोजन लेना, फास्ट फूड लेना, और दूसरी बात अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं तो वहाँ मार्केट में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मिलावट की मिलती हैं। तो बचना बहुत बहुत सोच समझ के ही बचा जा सकता है। आज की वीडियो लंबी भी होगी लेकिन देखना ज़रूर, आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे जिया जाता है। यहाँ की खास बात क्या है दोस्तों, ये जो हॉस्पिटल है ये सभी पैथी का मेल है, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, ये क्या है अपने जितने भी पैथी है, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी, सभी पैथी का ये मेल है। जिन डॉक्टर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है पंजाब के बरनाला ज़िले में बदौड़ गांव में, उन्होंने खेत में बनाया हुआ है और अभी मैं वहीं पे हूँ और आपको उस सारे हॉस्पिटल के दर्शन करवाता हूँ एक बार। और इन डॉक्टर साहब की कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे बाद में भी डिस्कस करता रहूँगा। जैसे इनकी उम्र है आज के दिन 87 साल की, लेकिन ये चश्मा नहीं लगाते, आज भी स्वस्थ हैं पूरी तरह से। अब क्योंकि इनको खाने पीने का, और दूसरी बात ये ट्रीटमेंट जब देते हैं जब आप परहेज करने के लिए तैयार हो, ये इनका। और ख़ास बात ये है कि जब 3-4 महीने की मेडिसिन चलने के बाद, दवाइयाँ चलने के बाद आपको दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, चाहे आप कोई भी रोग हो बता दिया जाएगा आपको भाई 2 महीने का कोर्स है, 4 का है, 3 का है, 6 का है। तो और कुछ मरीज़ जो यहाँ से ठीक हो गए हैं मैं उनके भी व्यूज़ डालूँगा,
ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस हॉस्पिटल का नाम है पंजाब नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल। ये बरनाला में बदौड़ गांव है, वहाँ पे है। बदौड़ से जो नैनेवाल गांव को रोड जाता है वहाँ पे इन्होंने अपने खेतों में बनाया हुआ है, और ये करीब 5 से 6 एकड़ एरिया में बना हुआ है। नेचुरोपैथी भी है इसमें, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, और अपना ये सभी पैथी यहाँ पे अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब एक संत के जैसे हैं। इनके बारे में तो जितनी की जाए, आप यहाँ के कभी पूछोगे, इनके घर में करीब 60 से 70 व्यक्ति तो डेली बुजुर्ग आदमी जिनके घर में खाना नहीं है या जिनके बच्चे उनको छोड़ चुके हैं वो इनके घर में खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी खास बात, 20 से 25 पेशेंट डेली देखते हैं। ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंटों की लाइन लगा दें और टेस्ट के में पैसे कमाने, जो एलोपैथी का अपना हर हॉस्पिटल का यही है, जाते ही आपके 4-5 हज़ार के टेस्ट लिख देंगे। टेस्ट ये भी कराएंगे, बट आप अपने मर्जी से कहीं से कराओ, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इनका एक मतलब भी, यहाँ पे जितने भी मरीज आए हैं लगभग सभी ठीक होके गए हैं। अभी ये वीडियो डालने के बाद कुछ मरीजों के यहाँ पे जो मरीजों की जो प्रतिक्रिया है यहाँ पे वो भी डाल देंगे। तो चलो अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये सारा हॉस्पिटल का। तो ये है पंजाब नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल, ये देखिए। देखिए ये बोर्ड है, फोन नंबर दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। शुरुआत से ही आपको कुछ मैसेज ऐसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपका फेथ हो जाएगा। ये एक रिसर्च सेंटर है, रिटर्न टू नेचर, स्टार्ट, प्रकृति के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, ये देखिए। आर यू टायर्ड ऑफ ऑल द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दैट फेल्ड ऑन योर डिजीज? डू यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम टैबलेट इंजेक्शंस एंड डॉक्टर्स? देन चूज नेचुरोपैथी एंड योगा टू क्योर ऑल योर डिजीज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। देखिए डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर होके भी ये लिख रहे हैं कि अगर आप अपने आप को टैबलेट इंजेक्शन और डॉक्टर से बचाना चाहते हैं तो हमें नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये इनका कंप्लीट एड्रेस और फोन नंबर बिल्कुल साफ साफ है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये दोस्तों के ये वीडियो जिस साथी के पास पहुंच जाए ये पंजाबी में, तो वो अपना एक बार ट्राई, जो सभी जगह से आ चुका वो यहाँ पे ज़रूर एक बार देख आए और अपना ट्रीटमेंट यहाँ से कराए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से इतना प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे, अब शहरों की भागम भाग में इतनी भीड़ में 100-150-400 फुट में 4-5 मंजिले हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, और यहाँ पे आने के बाद मरीज आता तो वैसे ही ठीक हो जाता है। ये देखिए कितना कुछ, ये मौसम भी इतना अच्छा हुआ है। देखिए दो रोड है, दोनों ही कितनी शानदार फूलों से सुसज्जित है, देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, डॉक्टर साहब दूसरा ये सेंटर ना, इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो व्यक्ति नशा खुद छोड़ना चाहता है, जो बेबस है, उसके लिए डॉक्टर साहब की दो ही कंडीशन है। एक तो खुद बंदा ये कहे मेरे को नशा छोड़ना है, दूसरा 21 दिन यहाँ पे रहना होगा उसको, बस डॉक्टर साहब नशा छुड़ा देंगे। दूसरा, जो अन्य नशा केंद्रों में जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल नहीं किया जाता यहाँ पे, बिल्कुल खुला, देखो गेट है, सारे गेट खुले हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी दो बंदे ऐसे हैं जो नशा छोड़ने आए हुए हैं, उनको कोई ऐसे टॉर्चर नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल। ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है।
और डॉक्टर साहब का परिचय, वैसे तो डॉक्टर साहब से मिलेंगे एक बार, उनसे कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि थोड़ा अगर टाइम मिल पाए तो डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब एक दिन में 20 से 25 मरीज़ देखते हैं, साथ में इनका जो इनके लड़के हैं डॉक्टर मनेंद्र, वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर और उनकी वाइफ भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, ठीक है। ये सारा ये साइड पार्किंग का एरिया हो गया, और ये देखिए डॉक्टर साहब दिन में 20 से 25 मरीज ही देखते हैं, और एक मरीज पे कम से कम, नए मरीज पे तो 2-2.5 घंटे का समय लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे। ये देखिए पंजाबी में सारा, अगर आप समझ सके तो। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर साहब का रूम दिखाता हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, बिल्कुल खास बात है, डॉक्टर साहब के कमरे में कोई एसी वगैरह नहीं है। ये यहाँ पे मरीजों के बैठने की व्यवस्था है, और बाकी जो इस हॉस्पिटल की प्रोसेसिंग है, कब किसको नेचुरोपैथी है वो अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये हॉस्पिटल का प्रांगण है, बीच का वो सामने मेन गेट दिख रहा है आपको। इधर ये मेडिसिन स्टोर, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन्स यहाँ से मिलती है, और ये हिस्सा दिखाता हूँ आपको जिसका नाम रखा है सतनाम हाल। यहाँ पे मरीजों के ठहरने की व्यवस्था है। ये देखिए खास बात, देखिए डॉक्टर साहब रूम नंबर 1 में खुद रहते हैं, ये इनका हो गया, 2-3 ऐसे करके 6 कितना साफ सुथरा, मतलब हर जगह प्रकृति के इतना करीब रहे गाइया है जो भी अपना ट्रीटमेंट लेगा। और ये धूप में बैठ जाओ यहाँ पे, खाली समय हो जब थेरेपी वगैरह करवा के कुछ समय बचे तो यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। अब एक रूम अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये रूम है, 2-3 बंदे आराम से रह सकते हैं, लेकिन मरीज कम ही रहते हैं, अभी सर्दियों में कम है, इस करके एक बंदे को एक रूम ही दिया हुआ है। ये देखिए ये बाथरूम, सोलर गर्म पानी की भी व्यवस्था है, यहाँ पे गर्म पानी आता है जब सोलर से, सोलर वाटर हीटर है। ये सेपरेट टॉयलेट है, ये देखिए आप, साफ सफाई अच्छी है, मतलब कहीं ये नहीं है कि मरीज दवाइयों की बदबू में घुटता रहे, फ्रेश माहौल है बिल्कुल एकदम। मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे रह के ट्रीटमेंट लेते हैं वो का। ये देखिए दोस्तों ये डॉक्टर साहब का जो है हाइड्रोथेरेपी, मतलब जल चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, वो डिपार्टमेंट है। और एक और वैज्ञानिक तरीका है, जैसे हर डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री करने से पहले पानी के, गर्मियों में ये पानी के भर दिए जाते हैं और इसके अंदर से होके जाता जाना है। ये देखिए इस तरफ ये मेल का है, देखिए, लेकिन अभी पेशेंट कम होने के कारण ये डिपार्टमेंट बंद है,
अभी काम सिर्फ चल रहा है फीमेल वाले में। यहाँ पे ये फीमेल वार्ड में मेल फीमेल का भी मिक्स किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि पेशेंट अभी कम है, सर्दी ज़्यादा है। ये देखिए ये देखिए, गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था है और हिप बाथ के लिए। ये सारा नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। ये देखिए, हैंड फिट बाथ के लिए ये मशीनें हैं। इसमें एक बारी गर्म में, एक बारी ठंडे में ऐसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये है टेंशन फ्री बाथ। इसमें तेल से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, शिरोधारा आएगा, ठीक है। देखिए ये मसाज के लिए, यहीं पे। उसके बाद में टब बाथ, डिलक्स हाइड्रो मसाज, हॉट कोल्ड, ठीक है। ते उसके बाद ये हैगा जी स्टीम बाथ का। बाबा जी ने अभी अभी करवाई स्टीम बाथ, कैसा लगा बाबा जी? बहुत अच्छा जी। तुसी इत्थे पहले आंदे रहे हो? हाँ जी, मैं कनेडा रहना, मैं दूसरी बार आया। अच्छा, तुहानू की प्रॉब्लम सी? मेरी कब्ज़ की प्रॉब्लम सी ज़्यादा, मेरी वाइफ नू ज़्यादा पेट जलन की प्रॉब्लम सी। अच्छा, हुण आराम है? हाँ जी, किन्ने दिन तो इलाज चल रहा है तुहाडा? हुण असीं दोबारा आए हैं जी, हुण महीना हो गया सानू। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद जी। ये देखिए दोस्तों, ये स्टीम बाथ की मशीन है। यहाँ पे स्टीम बनती है और इसमें देखिए ये सारा। ओके, ये बीच का प्रांगण। ये देखिए दोस्तों, इस सेंटर में खास बात ये देखिए, पानी की व्यवस्था कैसे की हुई है। फ्रिज यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, पानी पीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये गड़े मिलेंगे, क्योंकि गड़ाई के द्वारा प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध और साफ कर दिया जाता है और प्राकृतिक गुणों से भरपूर हो जाता है। देखिए, इन्होंने परमानेंट गड़े के अंदर ही, मटके के अंदर ही टूटियाँ लगवा दी हैं और वो टूटी ये पानी यहाँ से चलता है ऐसे, ठीक है। गर्म ठंडे की कोई नहीं, नेचुरल वाटर है। देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये पानी का इनपुट है, पहले इसमें आता है, ये साफ सुथरा पानी इसमें। देखिए, जो रेत मिट्टी है थोड़ा मोटा, वो नीचे बैठ जाएगा इसमें नीचे, और फिर ये भरने के बाद पानी इसमें चला जाएगा। देखिए ऐसे, और आउटपुट इनका आगे की साइड है, ये रहा, ये देखिए, है ना, क्या सिस्टम। नमस्कार दोस्तों हमारे साथ है डॉक्टर गुरमेल सिंह विर्क। तो हमें बहुत कीमती समय इन्होंने दिया है, इसमें से हम कुछ खास क्वेश्चन, जो समय का अभाव होने के कारण कुछ क्वेश्चनों का इनसे प्रश्न उत्तर चाहेंगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा हिंदी में बोलना, हमारे जो हरियाणा का जो उत्तरी भारत है वहाँ पे आपका मैसेज पहुँच जाएगा,
डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने सारी उम्र आप रिटायर्ड CMO हैं और उसके बाद में आपने सारी उम्र एलोपैथी से ट्रीटमेंट किया, तो आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई डॉक्टर साहब जो आपने पंजाब नेचुरल योगा हॉस्पिटल की स्थापना की? इसके बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण है मेरी भांजी, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। ठीक है सर। तो ब्लड कैंसर का इलाज हमने सभी जगह से करवाया, सीके भी लगाए, कीमो भी लगाई, रेडिएशन भी की, बोन मारो ट्रांसप्लांट भी किया, लेकिन कैंसर फिर भी ठीक नहीं हुआ था उनको। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने के बाद इस ये मर जाएगी। तो उस समय मेरे संपर्क में एक संत आए, उन्होंने कहा कि इसको वीट ग्रास का जूस पिलाइए और कुछ पत्तों का रस निकाल कर पिलाइए। हम ना चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा किया, वीट ग्रास भी पिलाया और कुछ पत्तों का रस भी पिलाया। लेकिन 4 महीने के बाद जब टेस्ट कराया तो टोटली नॉर्मल हो गया उसका कैंसर। हम फिर उसी बेटी को लेकर बम्बे गए, टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर कैंसर। वो भी हैरान हो गए, ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। तो हमने बतलाया भाई ये ऐसे ऐसे हमको एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि वीट ग्रास पिलाइए और पत्तों का रस पिलाइए। तो कुछ डाइट बतला दी हमने, वो की तो अब ये हमें तो ठीक लगती है क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, तो आपके पास हम आए दिखाने के लिए। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तब से सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सभी कैंसर उसका सारी उम्र के लिए नॉर्मल आ गया। अब वो प्रोफेसर लगी हुई है मेरी भांजी। कौन सी स्टेज का कैंसर था? लास्ट स्टेज का कैंसर था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट तभी होता है जब सभी जगह कैंसर फैल जाए, ना कीमो काम करे ना और कुछ, ठीक है नहीं। तो इसलिए वो रेफर होकर PGI में भी जॉब मिल गया था, CMC DMC जितने भी पंजाब के हॉस्पिटल है, दिल्ली का सब। आखिर में हम वहाँ गए थे तो वहाँ से हमें प्रेरणा जागी कि जो नेचुरोपैथी होती है इससे गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। फिर मेरे मन में आया कि नेचुरोपैथी तो एक झोड़ा सा विद्या है, एलोपैथी सबसे बड़ी है क्योंकि मैं रिटायर्ड CM हूँ। हाँ जी। लेकिन ये भी हमारा डाउट था। अब भारत सरकार ने 19 मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं इसके डॉक्टर पैदा करने के लिए, और प्लस टू मेडिकल पास करने के बाद फिर इसका सिलेबस होता है, 5.5 साल का कोर्स है, तब जाकर डिग्री मिलती है BNYS जो साइंटिफिक है, और इसमें सभी बीमारियों का इलाज मिट्टी पानी धूप हवा से किया जाता है। जैसे कैंसर की बात तो मैंने आपको बतलाई दी, आप अपनी उदाहरण ले लीजिए। हाँ जी। आपको देखो, आपका जिगर फैट था, जिगर बड़ा हुआ था, तिल्ली भी खराब थी, उसके बीच कितनी अनगिनत पित्ते की पथरियाँ थी। आपको हमने सिंपली 5 दिन के लिए ट्रायल किया, कोई दवाई नहीं दी, कोई भी दवाई आपको दी नहीं गई, अकेला जूस पिलाया, ठीक है। तो आज 5 दिन के बाद आपने टेस्ट कराए तो पथरी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब 1 रहेगी, पहले 17 का साइज था, अब 8 रहेगा सिर्फ 5 दिन में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को 2.5-3 साल पहले जब रिपोर्ट कराई तो 8 mm की पथरी थी, फिर दोबारा कराई तो 12 mm थी, और जब 1.5 महीने पहले रिपोर्ट कराई तो 17.1 mm थी, और लीवर का साइज मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था फैटी लीवर होने के बाद, काफ़ी वो रिपोर्ट भी है। और जब अब मैं 5 दिन पहले ही एडमिट हुआ था, 5 दिन के बाद अब जा रहा हूँ, तो अभी रिपोर्ट करा के लाया हूँ, वो पथरी 8 mm का साइज की है और लीवर तो बिल्कुल ही फिट हो गया, मतलब मैं इतना जानता हूँ रिपोर्ट का, मेरे को तो यही दो चीज़ें नोटिस हुई है। तो जबकि अपन आप मान लो 8 mm की होती तो सारी ख़त्म हो जानी थी, ये तो 17 से 8 पे आ गई। तो जबकि अपने पूरे इंडिया में मेरे को शायद कोई डॉक्टर नहीं मिला जो ये कह दे कि भाई पित्ते की थैली या गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो सकता है, तो ये भी एक आश्चर्य ही है, ये भी नेचुरोपैथी के माध्यम से ही संभव हो पाया है।
तो इसमें फोड़े से लेकर कैंसर तक सभी तरह की बीमारियां ठीक होती है। पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, सभी तरह के कैंसर, हार्ट की बीमारी, शुगर, पीलिया, गठिया, जो भी बीमारी है सिर से लेकर पांव तक वो सारी नेचुरोपैथी से ठीक हो जाती है। इसी तरह आपने नशे की बात की थी, तो नशा भी नेचुरोपैथी से बिना किसी तकलीफ से, बिना मारपीट किए, बिना उसको जिंदा लगाए, तो कम से कम 75-76 हजार नशेड़ी जहाँ से नशा छोड़ कर जा चुके हैं, जो ठीक जिंदगी जी रहे हैं, जो ठीक जिंदगी जी रहे हैं। कुछ होते हैं मतलब 2-4% वो डॉक्टर साहब, खास बात ये है कि ना तो यहाँ पे गेट बंद किया जाता है, ना उनको मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है हम उसको फ्री छोड़ते हैं, कोई ताला नहीं लगाया जाता, कोई मारपीट नहीं की जाती, कोई संगल नहीं लगाया जाता, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, उसको चलने फिरने की आज़ादी है, वो कहीं भी घूमे, वो अकेला रह ले, किसी के साथ रह ले, एक सेकंड की भी उसको तकलीफ नहीं आने दी जाती, प्यार मोहब्बत से नशा छुड़ाया जाता, नशा कोई भी हो, तो ये भी इसी नेचुरोपैथी के इलाज से किया जाता है। तुम्हारी मैंने आपको बोल दिया, हार्ट की बीमारी हो, श्वास दमे की बीमारी हो, गठिया की बीमारी हो, नींदरा ना आता हो, मानसिक बीमारी हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी सिर से लेकर पांव तक सभी बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी संभव है। बाल सफेद या काले होने लग जाते हैं, बाल आता ही रहते ही नहीं है फिर आने लग जाते हैं, आँखों की रोशनी जिंदगी भर रहती है, अगर जी जी के ऐनक लगी हुई है 3 से 9 महीनों के बीच बीच ऐनक उतर जाती है। जब मैं रिटायर हुआ था उस समय मेरी उम्र 58 की थी, 58 साल की थी, उस समय मेरे ऐनक 6 नंबर की लगी हुआ करती थी। अब हमारी उम्र 87 साल की हो चुकी है, तो मैं आप देख ही रहे हो हर काम बिना ऐनक के करता हूँ, तो नेचुरोपैथी से ऐनक भी 3 से 6 महीने से उतर जाती है, सभी तरह की रसौड़ियाँ खुल जाती हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मिर्गी का भी इलाज संभव है डॉक्टर साहब? हर चीज का, जब कैंसर का इलाज है मिर्गी का इलाज तो सभी नीचे नीचे है कैंसर से। मिर्गी का इलाज तो 2-3 महीने में खत्म, किसी का तो 1 महीने में खत्म हो जाता है। और डॉक्टर साहब खास बात ये है कि एक लिमिट समय में दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। दवाई तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, चाहे पहले से नहीं बंद कर दो, हम कहते हैं 5 चीजें ना खाओ जिंदगी भर। एक तो चीनी, चीनी की बनी हुई कोई चीज ना खाओ। हाँ जी। तो चीनी से संबंधित 470 बीमारियां होती हैं, वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएंगी। ये ध्यान से नोट कर लेना दोस्तों। तो डॉक्टर साहब अब बताएंगे एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या 5 चीजें ऐसी जो खानी है और 5 चीजें ऐसी जो कभी नहीं खानी, बस उनको नोट कर लेना। जो स्वस्थ व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए वही अच्छा है कि बस वो उसको ही अपना ले, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए डॉक्टर साहब। तो जो चीज छोड़नी है 5, उसमें पहले नंबर के ऊपर है चीनी, शुगर, जो भी चीज चीनी के साथ बनी हुई है उसको छोड़ दो, उसके बदले में गुड़, शक्कर एंड शहद ले लीजिए। उसका सब्स्टिट्यूट गुड़, शक्कर और शहद होगा, तो 470 बीमारियों से आप लोग बच जाओगे, अगर आज के बाद ही चीनी और चीनी की बनी हुई कोई भी चीज बंद कर दोगे तो। हाँ जी। बदले में गुड़, शक्कर एंड शहद। दूसरा परहेज है फ्राई, कोई भी चीज जो तेल और घी के बीच तड़का लगाकर बनाई जाती है, जहाँ घर में बनाई जाती है, जहाँ बाहर से खरीदते हैं, उसको बंद कर दीजिए। फ्राई से, तड़के से 1108 बीमारियां लगती हैं, उन सभी 1108 बीमारियों से बचने के लिए या रोकने के लिए तड़का लगाना बंद कर दें। छोले, टिक्की, भटूरे, फास्ट फूड, बर्गर, नूडल, चिप्स, कुरकुरे, चिंगम चिंगम, जे टोटली खाना बंद कर दें, और घर में जो सब्जी बनाते हैं उसको पहले धो लो, फिर काट लो, काट कर पतीले में डाल लो,
फिर पानी जितना चाहिए वो डाल लो, मसाले जो चाहे डाल लीजिए, तेल घी बिल्कुल भी नहीं पाना, आग मचाइए, जब सब्जी बन जाए उतार कर खा लीजिए, तो 1108 बीमारियों से बच जाओगे, जिनमें से तेजाब गैस और पित्त की पथरी भी है, जैसे इस बेटी की सिर्फ 5 दिन में सभी पथरियां खत्म हो गई, एक रह गई वो भी छोटी सी, सिर्फ 5 दिन में कोई दवाई नहीं दी इसको, एक भी दवाई की बूंद नहीं दी, सिर्फ फल फ्रूटों के जूस से इसकी उतारी गई। तीसरा परहेज है कोल्ड ड्रिंक्स एंड डब्बा बंद जूस, भूल कर बना पिए। चौथा नॉन वेज और नशे, मीट अंडा मच्छी और नशा नहीं लेना है। पांचवी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है चाय और कॉफी। 1 कप चाय का असर 35 दिन रहता है और 365 दिन इसका असर रहता है, 365 इससे बीमारियां लगती हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी मानसिक होती है, जो व्यक्ति चाय पीता है वो जिंदगी भर 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहेगा, चाहे वो ऊपर ऊपर से कितना ही अपने आप को दिखावा क्यों ना कर ले। इनके बीच मरे हुए पशुओं का लहू पड़ता है, उससे बचना चाहिए। इसके बीच और भी बहुत कुछ डाला जाता है चाय में, तो चाय एंड कॉफी, तड़का, कोल्ड ड्रिंक्स, मीट अंडा मच्छी, नशा और चीनी, ये आज के बाद बंद कर दो। आज के बाद ही बिना किसी दवाई के आपकी बीमारी कुछ महीनों में 70% खत्म हो जाएगी। तो 5 चीज़ें डेली खाएं, कच्चा सलाद ज़्यादा खाएं, मूली, गाजर, शलगम, टमाटर, खीरा, धनिया, पालक, बातू ये कच्चा है, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, रोटी सूढ़े वाली खाएं, आटा छाने ना, दूध अच्छा तो ये है कि टोटली बंद कर दीजिए, 1 मुट्ठी बादाम लीजिए, उसको धो लीजिए, रात को भिगो दीजिए, दूसरे दिन खा लीजिए, तो 1 मुट्ठी बादाम का असर 16 किलो दूध के बराबर होता है। दूध बहुत ही हानिकारक है, अगर किसी वजह से आप दूध नहीं छोड़ पाते तो कम से कम 1 बार पीजिए, जब दूध पी लें तो उसमें रोटी ना खाएं। ये 5 चीज़ें आप खा लीजिए, 5 छोड़ दीजिए। पानी खाना खाने से आधा घंटे पहले पीजिए या 1 घंटा बाद, बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं पीजिए। सुबह शाम सैर कीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा चलना जरूरी है, और सारे दिन में कम से कम 40 मिनट शरीर को धूप लगनी चाहिए। तो 5 चीज़ें खा लो, 5 छोड़ लो, धूप लगा लो और सैर कर लो, तो आपको जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं लगेगी, और जो लगी वो अपने आप ठीक होती जाएगी। ये है नेचुरोपैथी का इलाज, क्योंकि ये तो बेटा ये अपनी हड्डबीती बतला रहा है, क्योंकि इसका इलाज जहाँ चल रहा था और हमने कहा बेटा इतने दिन रह कर ये करो, रिजल्ट उसका बिल्कुल सामने आ चुका है। इसमें से एक गलती हो गई थी, पहले दिन इसने जूस कम पिया था, अदरवाइज अगर वो पिया होता तो हो सकता है सारी की सारी निकल जाती, लेकिन अब वो खुरने लगी है पथरी, रिपोर्ट में लिखा है ये भी गायब हो जाएगी बिना किसी दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के। और कोई सवाल करो बेटा। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने अपने कीमती समय में से गागर में सागर के रूप में डाल दिया है, जो थोड़े से समय में बिल्कुल एक जीवन का साथ दे दिया है। जो व्यक्ति इन नियमों को अपना लेगा वो स्वस्थ रह सकता है, और अपने हरियाणा वालों के लिए स्पेशल है कि आप सोचते हैं दूध और घी के बगैर तो सेहत बनी नहीं सकती, लेकिन अपने हरियाणा वाले जो गांव में जितने भी बुजुर्ग और जितने भी जवानों ये 20-20 साल की उम्र में डायबिटीज और 40 साल की लेडीज में अब थायराइड 20-20 साल में हो रहा है, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान और वही है। हमें दवाई नहीं लेनी, दवाई छोड़िए, आप सिर्फ अपना दिनचर्या सुधारिए जो डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब मेरे को तो यही लगता था दूध पीना चाहिए, दही लस्सी तो बहुत अच्छी है, चाय को तो चलो आप नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन दूध की तो आप हर घर में राजी होके खाते हैं। तो इससे छुटकारा पाना है दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने 5 चीजें बता दी छोड़ने वाली और 5 चीजें अडॉप्ट करने वाली, उसको अपना के हम अपना जीवन सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं, और इन बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी मेहनत की कमाई देने से
बच सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। ये देखिए।